तो मुनि दोस्तों तैयार होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखने लगता है। देखिए कितनी लंबी है, तो ये वाला मूली देखिए अच्छे से तैयार हो गया है। चलिए इसे उखाड़ते हैं हम, तो थोड़ा सा मूली पकड़ के उखाड़ेंगे तो अच्छे से उखड़ेगा, नहीं पत्ती जो है टूट जाता है। देखिए बहुत अच्छे से ऐसे छाट छाट कर उखाड़ेंगे। नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, ठंडी की जो है सब्जी बोना स्टार्ट हो गया। चलिए अब ठंडी की पहली सब्जी आप लोग दिखाते हैं। तो ये देखिए मूली सब्जी जो पहले जो है तैयार होता है, तो इधर देखिए तैयार है अभी, कम मतलब बड़ा नहीं हुआ है। चलिए जहाँ अच्छे से तैयार है वहाँ पर चलेंगे। चलिए इस तरीके से इस रास्ते चलते हैं। इस खेत में दोस्तों तैयार है और इसमें भी छाट छाट कर तो उखाड़ना पड़ेगा, तो चलिए इसी में उखाड़ेंगे। तो चलिए बचाते हुए मूली खेत में घुसते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग दिखाते हैं मूली कितना जो है तैयार हुआ है नीचे। ये वाला मूली देखिए अच्छे से तैयार हो गया है। चलिए इसे उखाड़ते हैं हम, तो थोड़ा सा मूली पकड़ के उखाड़ेंगे तो अच्छे से उखड़ेगा, नहीं पत्ती जो है टूट जाता है। देखिए बहुत अच्छे से ऐसे छाट छाट कर उखाड़ेंगे। पत्ती भी देखिए बहुत ही अच्छा है, हरा भरा, कीड़ा बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए हमने उखाड़ लिया हुआ है। तो मूली दोस्तों तैयार होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखने लगता है। ये देखिए कितनी लंबी है। सुबह सुबह दोस्तों जो है मूली टूटता है और अच्छे से दोपहर में धो धा कर शाम के लिए तैयार हो जाता है बेचने के लिए। आप लोग हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ठंडी जो है सब्जी बहुत ही अच्छा अच्छा आप लोग दिखाएंगे खेत और बनाएंगे भी सब्जी। तो चलिए इसे हम उखाड़ लेते हैं। इसमें खेत जो है भरा हुआ है तो बहुत ही अच्छे जो है उखड़ रहा है। तो मूली देखिए बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल कड़ान उड़ान नहीं है। और इस तरफ देखिए पत्ते तो एकदम अच्छे, जैसे पालक के पत्ते, इतने शौकीन है। देखिए थोड़ा सा हमने उखाड़ा हुआ है और चाचा जी ढेर सारा उखाड़े हैं, चलिए आप लोग दिखाते हैं। थोड़ा सा मुझे लेना ही है। देखिए छोटा बड़ा सभी जो है उखाड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी जो है बिक जाता है तो सही रहता है, खेत भी खाली हो जाता है और पैसा भी निकल जाता है। तो चलिए अब हम चलेंगे घर पे। ये देखिए अपना ढेर सारा उखाड़ा हुआ है। तो देखिए ढेर सारा जो है मुड़े उपारे हुए हैं चाचा जी, इसी तरीके से हम रख देते हैं। तो देखिए इस तरीके से उसको अच्छे से धोकर उसके बाद ले जाते हैं। एक भी पत्ती जो है मूली में ख़राब नहीं है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे दोस्तों रोज़ किसान लोग मेहनत करते हैं, उखाड़ते हैं, धोते हैं, बेचते हैं, तो कुछ पैसा आता है हाथ में। तो मूली लेकर आ गए हैं, तो सबसे पहले जो है अच्छे से पत्ते को मूली को भी रगड़ कर धोएंगे। देखिए खेत में पानी जा रहा है तो अच्छे से भी धो लेंगे। तो सभी मूली को हमने अच्छे से देखिए मल कर साफ़ कर लिया हुआ है, पत्ते को भी साफ़ कर लिया, क्योंकि पत्ते की भी सब्ज़ी हम बनाएंगे। इसको लेकर आ गए दोस्तों चूल्हे के पास, पहले इसे रख देते हैं। पहले हम आग चूल्हे में आग को जलाएंगे, उसके बाद इसे चीरे काटेंगे। चूल्हे पर हमने देखिए जिसकी लेवार कर रख दिया हुआ है, अब हम चूल्हे में आग को जला रहे हैं। तो धुले हुए चावल को हम इसमें डाल देते हैं, चावल पहले हम बना रहे हैं। तो जो थोड़ा एक दो पत्ती जो है ख़राब है उसे हम निकाल देंगे और मूली को है अलग करेंगे, पत्ते को अलग करेंगे। ये देखिए ऐसे इस तरीके से हम तोड़ ले रहे हैं, पतली वाली मूली पहले तोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हम सब तोड़कर अलग कर लेते हैं और इसे देखिए इतना जो हमें तोड़ा हुआ है बराबर करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम निकाल देंगे इसे हम, अब एकदम पतले पतले एकदम काटेंगे। देखिए डंठल जो है पकने थोड़ा सा समय लगता है, तो पतला रहेगा तो अच्छे से गल जाएगा। तो बहुत ही मुलायम जो है कट रहा है, क्योंकि अभी नई मूली है। तो पत्ते को भी एकदम बहुत ही छोटे छोटे काट रहे हैं। छोटी सब्जी तो जो गलाई जाती है सब्जी, वो छोटे काटने बहुत अच्छा जो है पकता है। मूली दोस्तों पत्ती काटने में थोड़ा सा खुशबू देता है, जैसे मूली खुशबू रहता है उसी टाइप की खुशबू दे रहा है पत्ती इसकी। और मूली दोस्तों हम काटेंगे और मूली ऐसे रख देंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो जो रखेंगे उसे इस तरीके से हम तोड़ेंगे जैसे ताज़ी बनी रहे इस तरीके से। तो देखिए थोड़ा सा भी इसे भी हम निकाल देते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, पर मूली की पत्ती थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसीलिए हम निकाल दिए हैं डंठल। तो मूली की पत्ती को हमने काट लिया हुआ है। तो अब हम देखिए थोड़ा सा जो है दो तीन मूली भी काटेंगे इसमें पतले पतले, ये भी बहुत ही अच्छा गल जाता है। चावल हमारा उबलना स्टार्ट हो गया, चलिए ढक्कन हटा कर हम चला देते हैं। तो हम चला देते हैं जिसकी चावल को।
तो बहुत जल्दी जो है पकने वाला है। तो मूली को काटने के बाद इसमें हम नेनुआ को भी काटेंगे इस तरीके से। तो नेनुआ को हमने काट लिया हुआ है। तो चावल हमारा देखिए पक चुका है, अब इसे हम उतार देंगे। तो अब हम बनाएंगे सब्जी। तो रख देते हैं कढ़ाई को, इसे गर्म होने देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म होगा, इसमें मिर्चा का तड़का लगा देते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं कोहरौड़ी, इसे बड़ी भी बोलते हैं। तो कोहरौड़ी और मिर्चा का तड़का लगा दिया, इसे पक गया। अब इसमें हम डाल देते हैं सब्जी जो हमने काटा हुआ है। तो इसे हमने पहले से अच्छे से धोकर तब काटा हुआ है। तो थोड़ा सा हमने डालकर तड़के में अच्छे से मिला दिया हुआ है, जैसे अच्छे से मिल जाए। अब इसमें हम सारी सब्जियों को डाल देते हैं। देखिए ढेर सारा है, अभी गल कर थोड़ा सा हो जाएगा। नेनुआ और मूली की सब्जी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गांव में बनता है, तो वही हम बना रहे हैं। देखिए भगोला समय ढक दिया, तो तुरंत जो है गलना स्टार्ट भी हो गया है। अब इसे हम चला देते हैं एक बार। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा जल्दी चला जाता है, जैसे जब से गलना ना स्टार्ट हो जाए तो पानी पकने लगता है। जो नेनुआ डाला हुआ है दोस्तों, और देखिए डंठल, उसी के लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता देखने में। तो अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। सब्जी जो है हमारी पकने वाली है, थोड़ा सा और हम इसे गलाएंगे। तो नमक डालकर अच्छे से मिला दिया है, अब इसे हम ढक देंगे। तो मूली का हमारा फायदेमंद जो है रेसिपी बनकर तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छा चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और रोटी के भी साथ। चलिए आज हमने चावल बनाया हुआ है, तो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो चलिए इसी परात में जो है खाना का हम थोड़ा सा निकालते हैं चावल के साथ। ये देखिए चावल हमने निकाल दिया हुआ है। तो आज हमने मूली की दोस्तों सूखी सब्जी बनाया हुआ है, बहुत ही फायदेमंद, कोई मसाला नहीं डाला हुआ है, और उसके साथ बनाया है चावल। तो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।